जयराम जी की। दोस्तों यह जो फोटो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यह इकलौती फोटो है माता शारदा देवी पीठ की जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, मतलब पीओके की। यह फोटो 1893 की है और यह फोटो मंदिर की एंट्रेंस की है और इस फोटो में आप बाहर एक कश्मीरी पंडित को साफ साफ देख सकते हैं। यह एक इकलौती फोटो है क्योंकि सबसे पहले मंदिर पे हमला 14th सेंचुरी में मुगल आतंकी सिकंदर बुटशिकन ने किया था और ये मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया था इसने इस हमले में। और दोस्तों आपको पता है कि उस समय मुगल राज धीरे धीरे भारत में आया ही था और ये लोग सारे मंदिर पीठ को नष्ट कर रहे थे ताकि, क्योंकि यही मंदिर पीठ वो जगह होते हैं जहां से हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं अपने सनातन धर्म की। तो बिल्कुल ये लोग उस चीज के खिलाफ थे और इन लोगों ने सबसे पहले ये पीठ को तोड़ा गया क्योंकि ये कश्मीर में था, क्योंकि पीठ वो जगह होती है जहां से विद्यार्थी सीखते हैं पढ़ते हैं और जो माँ शारदा देवी है वो पूरे 100 करोड़ हिंदुओं में पूजी जाती है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। लेकिन माँ शारदा देवी का घर कश्मीर में ही है। हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये फेमस चैंट जरूर सुना होगा, नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासी। तो दोस्तों इस चैंट का मतलब है कि मैं उन माँ शारदा देवी को नमन करता हूँ जो कश्मीर की धरती पे रहती हैं। तो इसीलिए इस पीठ पर हमले हुए और ऐसा नहीं इस मंदिर का रेनोवेशन नहीं हुआ, इस मंदिर का बहुत बार रेनोवेशन हुआ और हर बार इस मंदिर को नष्ट किया गया, हर बार इस मंदिर को बनाया गया और मुगलों ने इसे बार बार तोड़ा, जब तक आखिरकार 1948 में पाकिस्तानी आर्मी ने इस मंदिर पे बॉम्ब गिरा के पूरा का पूरा मंदिर को नष्ट कर दिया। इसीलिए यह जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इकलौती फोटो है जो मार्क स्ट्रीन जी ने ली थी 1893 में। तो दोस्तों आखिरी में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मंदिर भले ही मुगलों ने और आतंकियों ने नष्ट कर दिया हो पर माँ शारदा देवी जी हमेशा हमारे दुनिया भर में जितने भी करोड़ों हिंदू लोग हैं उन सबके दिल में हमेशा रहेंगी और हम लोग हमेशा माँ शारदा देवी जी की पूजा करते रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये न्यूज सुन के दुख हुआ होगा और आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि ये हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, हमारे स्कूल की किताबों में हमारे इतिहास की किताबों में कभी ये सारी चीजें छुपा के रखी गई हैं। पर दोस्तों मेरा काम है कि आप लोगों के सामने रोज एक ऐसी वीडियो बना के आप लोगों को सारी सच्चाई बताना। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना क्योंकि YouTube इस तरह की वीडियो को प्रमोट नहीं करता, हमारे पास सिर्फ आप ही एक साधन है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है सनातन धर्म की वो आप सब तक पहुंचा सकते हैं अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपको ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन रामराज पे मिल जाएंगी, आप जाके सर्च करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी स्मॉल स्मॉल वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आए, ना ही यूट्यूब ने हमारा मोनेटाइजेशन ऑन किया है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन रामराज्य को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाए। हम लोग रोज एक वीडियो लेके आते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद आपने इस वीडियो को यहां तक देखा और सभी के साथ शेयर किया। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक पे किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय श्री राम भाइयों।